चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना और वीडियो को लाइक करना। आज आपको आईपीपी बैंक में जो यूपीआई और अकाउंट नंबर से रुपया कैसे भेजे और मोबाइल नंबर से रुपया कैसे भेजे वो सब आपको बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर आप अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर या यूपीआई के थ्रू ट्रांसफ़र करना नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख जाएंगे कि कैसे आपको करना है ट्रांसफ़र। तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखें। उसके लिए आपको यूपीआई पे क्लिक करना है, नीचे भीम यूपीआई तरह से ये खुलेगा तो आपको ऊपर जो है सेंड मनी, आपको उस पर क्लिक करना है रुपया ट्रांसफ़र करने के लिए। तो जैसे सेंड मनी पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये तीन ऑप्शन खुलेगा, कॉन्टैक्ट, यूपीआई, अकाउंट। तो मैं पहले आपको मोबाइल नंबर से भेज के बताता हूँ। तो आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे, आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी नंबर हैं वो आपको शो होगा। आप जो भी नंबर से भेजना चाहते हैं सेलेक्ट, भेजना चाहते हैं जिसको भी उसका यहाँ नंबर डालेंगे। अगर उसका नंबर लॉगिन है आईपीपी बैंक में तो इस तरह से खुल जाएगा, उसका नाम शो होगा और नीचे उसका यूपीआई आईडी शो होगा। उसके बाद आपको जितना भी रुपया डालना है यहाँ डाल के अमाउंट पे और नीचे कुछ भी लिख देंगे, जैसे कि मैंने रुपया भेज दिया, सेंड मनी, कुछ भी एक्स्ट्रा लिख देंगे कुछ भी। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करके कंफर्म करेंगे तो आपके नंबर पे ओटीपी आएगा और ओटीपी डालने के बाद आपका जो मनी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके बैंक खाते में। अगर आप बैंक अकाउंट नंबर से रुपया ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको सेंड मनी पे ही क्लिक करना होगा और सेंड मनी पे क्लिक करने के बाद ऊपर फंड ट्रांसफ़र है उस पर क्लिक करना है तो आपके सामने ये इस तरह से खुलेगा। तो नया बैंक ऐड करने के लिए सेंड टू न्यू बेनिफिशियरी को क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ अकाउंट नंबर पे क्लिक करके आपको बेनिफिशियरी का नाम और अकाउंट नंबर और कंफर्म अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है दोस्तों। तो जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो उसका जो भी नाम है वो शो हो जाएगा और नीचे उसका अकाउंट नंबर और इसका आईएफएससी कोड होगा और यहाँ पे अमाउंट डालने के लिए बोलेगा। आप जितना अमाउंट चाहे उतना डाल के यहाँ रिमार्क पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है तो उसके बाद ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे रिमार्क पे कुछ भी लिख देंगे। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे डायरेक्ट क्लिक कर देना है तो नीचे कंटिन्यू है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए ये मुझे इतना अमाउंट नहीं है आपके बैंक में तो ये मुझे नहीं सेंड होगा। तो इस तरह से आपको भी कंटिन्यू करके और ओटीपी आएगा उसे डाल के आप रुपया भेज सकते हैं। अब बात आ रही है यूपीआई आईडी से कैसे भेजें। अगर किसी को यूपीआई आईडी से अगर आप भेजना चाहते हैं तो फिर से आपको भीम यूपीआई पर ही क्लिक करना होगा। उसके बाद जब आप क्लिक करेंगे तो फिर से कॉन्टैक्ट और भीम यूपीआई अकाउंट नंबर का ये आएगा तो आप जिससे भी भेजना चाहते हैं वो क्लिक करेंगे। तो मैं भीम यूपीआई से भेज रहा हूँ तो आपको यूपीआई करना है। यूपीआई पे आपको जो भी यूपीआई आईडी से भेजना चाहते हैं उसका यूपीआई आईडी आप यहाँ डालेंगे और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ देखिए उसका नाम नीचे शो हो जाएगा क्या नाम है उसके, तो वो नाम आप बताएंगे कि यही नाम से है। तो उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है तो कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ कंटिन्यू और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अमाउंट बोलेगा डालने के लिए। तो जितना भी अमाउंट आप सेंड करना चाहते हैं वो यहाँ पर भर देंगे। चलिए मैं 10 रुपया अभी आपको लाइव करके दिखाता हूँ सेंड और यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे, जैसे मैं कुछ उसका नाम ही या कुछ लिख देंगे। उसके बाद आपको फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। चलिए पे लिख दिया हूँ और यहाँ मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए फिर से आ जाएगा उसका नाम और यूपीआई आईडी शो होगा, अकाउंट नंबर आपके अकाउंट से जाएगा, आपको कंफर्म करना है। उसके बाद ओटीपी आ जाएगा आपके नंबर पे तो आप वहाँ ओटीपी डाल देंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। चलिए ओटीपी आने के लिए देते हैं तो ओटीपी आ गया है ओटीपी डाल दिया हूँ मैं। उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपके अकाउंट से रुपया कट जाएगा, उसके अकाउंट में चल जाएगा। तो देखिए अब कंफर्म हो गया, ये देखिए इसका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, जिस तारीख को आप किए हैं 15 जनवरी जितना मिनट वो भी शो हो रहा है। देखिए बेनिफिशियरी नाम अपने यहाँ भेजा है तो इसे आप अगर चाहते हैं तो उसके व्हाट्सएप पर सेंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ शेयर के नीचे बटन है, यहाँ पर शेयर पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप और जिस बेर भी भेजना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं व्हाट्सएप पे सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके आपको जिसको भी भेजना है उस पर आपको भेज देना है।
चलिए देखिए भेजते हैं तो इस तरह से उसके पास मैसेज चल जाएगा रुपया गया कि नहीं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और कमेंट में हमें बताएं कि कैसा वीडियो आप देखना चाहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना दोस्तों।